स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। लगता है मोना को पता चल गया है कि वेट्री जी उसे रोकने की कोशिश कर रही है और वो उल्टा उन्हें ही नुकसान पहुंचा रही है। निशान जी, लगता है हमारा तरीका काम कर रहा है। मोना मोना कमजोर पड़ रही है। अंश, पिया और मुन्ने को तब बचाओगे ना जब वो दोनों तुम्हारे हाथ आएंगे। वेट्री जी, करण का पेंडेंट आपके पास है ना? हाँ। अपनी ताकत तुम्हें भी पिया और आदि की तरह पत्थर बना देता हूं, फिर पड़े रहना तीनों साथ साथ। उसकी नौबत नहीं आएगी क्योंकि तुम पिया और आदि को ठीक करोगे। अभी इसी वक्त मेरी पिया और आदि को ठीक कर, अभी के अभी। ये तुम मोना का बाल अपने बालों में काय लगा रही हो जी? अंश, करण और मोहना दोनों का मुकाबला नहीं कर पाएगा।
लेकिन अगर हम मोहना को रोक लें तो वंशकरण के सामने कमजोर नहीं पड़ेगा, और मैं वही करने जा रही। भाभी मुझे मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप भाभी डायन को रोकेंगे कैसे। उसे कमजोर बनाकर। बचाने के लिए तकलीफ बर्दाश्त कर सकती। नहीं जज, कुछ कीजिए ना प्लीज। भाभी, भाभी मत कर। नहीं विदुषी। ये जरूर छुटके का काम है। खुद को चोट पहुंचा के वो मुझे कमजोर बनाना चाहती है, लेकिन वो ये नहीं जानती जो वो कर सकती है वो मैं भी कर सकती हूँ। भाभी नहीं, ऐसा मत कीजिए भाभी। अगर अंश ने करण को मार दिया तो मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। बोलो, पिया और आदि को ठीक कर रहे हो या नहीं? कभी नहीं। ये भगवान, ये क्या हो रहा है निशान जी? लगता है मोहना को पता चल गया है कि वेटश्री जी उसे रोकने की कोशिश कर रही हैं, और वो उल्टा उन्हें ही नुकसान पहुंचा रही है। निशान जी, लगता है हमारा तरीका काम कर रहा है। मोना मोना कमजोर पड़ रही है। अंश, पिया और मुन्ने को तब बचाओगे ना जब वो दोनों तुम्हारे हाथ आएंगे। वेटश्री जी ने मोहना को रोक तो दिया, लेकिन करण को हमको फिर भी ढूंढना ही पड़ेगा। आप सब याद करने की कोशिश कीजिए ना, जाने से पहले करण ने कुछ तो कहा होगा कि वो गुड़िया और मुन्ने को कहाँ ले जा रहा है। नहीं निशान जी, ऐसे तो कुछ याद नहीं है। हमारा सारा ध्यान तो दिए जलाने में था, ऐसे में वो कब और कहाँ गया हमें पता ही नहीं चला। मुझे तो बस इतना ही याद है कि उसने कहा था कि वो विधि खुले आसमान के नीचे करनी है। हाँ, और ये भी कहा था कि वो विधि सनसेट से पहले पहले करनी पड़ेगी। वेटश्री जी, करण का पेंडेंट आपके पास है ना? हाँ। आपने ऐसा क्यों किया? पिया और मुन्ने का जाना जरूरी था, वरना अंश हमेशा उन लोगों को वापस लाने की कोशिश करता रहता। जो लोग गए सो गए, जो वापस आए हैं उनके बारे में सोचो।
वापस लौटा है। आज हमारा परिवार बुरा हुआ। तो ये है मेरी पोता। आओ दादी के पास आओ। बहुत इंतजार किया इस घड़ी का। 3 साल से कोशिश कर रहा था तुम दोनों को वापस लाने की। अब तुम दोनों को वापस नहीं जाने दूंगा। मैंने तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।